जी देखिए, बिल्कुल ठीक सामने रोबोट रेस्टोरेंट, आपने इसकी वीडियो देखी होगी रील्स वगैरह में बहुत ज़्यादा। यहाँ पे देखिए सामने श्री डोसा इडली भरत राम जी, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नई खुल रही हैं। देखिए कितना अच्छा से मोल्डिंग वगैरह की, देखिए इस पॉइंट में पूरा देख सकते हैं कितने ज़्यादा रेस्टोरेंट, प्रभु राम भोजनालय, राम जी स्वीट, यहाँ पे रूम से सामने उस पॉइंट पे श्री बाके बिहारी गेस्ट हाउस। देखिए वो मंदिर कितना अच्छा लग रहा है, ये पहले ऐसा नहीं था, अब तो ये कलर वगैरह कर दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब, स्वागत है फिर से इस नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है रामपथ मार्ग की, चलेंगे हम आपको दिखाएंगे अयोध्या प्रवेश द्वार से और लता मंगेशकर चौराहे तक। बेसिकली वीडियो में ये रहेगी कि रामपथ मार्ग पे क्या मतलब रेस्टोरेंट कितने ओपन हुए हैं, कितने होटल्स वगैरह ओपन हुए हैं, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में, और भी कुछ चीज़ नई दिखेगी उसको भी आपको दिखाएंगे। दिखाते आपको दोस्तों अपनी लोकेशन को, मैं अभी मौके पे किस जगह पे हूँ। दोस्तों अभी हम इस पॉइंट पे खड़े हैं अयोध्या के प्रवेश द्वार के पास। ये सामने जो आपको फ्लाईओवर नज़र आ रहा है, ये पचकोसी परिक्रमा मार्ग पे ये फ्लाईओवर बना हुआ है, और यहाँ से थोड़ी दूरी पे जस्ट 200 से 300 मीटर की दूरी पे 14 कोसी परिक्रमा मार्ग है। अगर आपने 14 कोसी और पचकोसी की वीडियो देखी आपको पता होगा कि हमने इसी फ्लाईओवर के ऊपर से इधर से जाते हुए दिखाया था आपको, यहाँ पे आके 14 कोसी परिक्रमा मार्ग जहाँ पे मिलता है अयोध्या के पीछे पीछे वो वाली वीडियो। और इस पॉइंट पे देखिए यहाँ पे ड्राइविंग ट्रेनिंग एवं टेस्टिंग इंस्टीट्यूट खुला हुआ है, मतलब ये लाइसेंस वगैरह अब यहाँ पे बनता है। एक हाईवे पे है वहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, मतलब ठीक अयोध्या प्रवेश द्वार के यहाँ पे। और अभी मौके पे सारी चीज़ें देख सकते हैं रामपथ मार्ग पे। यहाँ पे देखिए वाटर कूलर ऐसे, मतलब ना जाने कितने इस रामपथ मार्ग पे लगाए गए हैं, ठंडे पानी की सुविधा। और जस्ट मैं अभी टच करके दिखाता हूँ कि पानी ठंडा है कि नहीं, एकदम पानी जो है बहुत ही अच्छा ठंडा एकदम आ रहा है, थोड़ा सा पी लेते हैं। और रोड वगैरह एकदम एक नंबर की है, अभी तक कोई जो है मुझे कमी नज़र नहीं आई। इस पॉइंट पे देखिए सीट्स वगैरह ऐसे, ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं। वहाँ पे बैठने वाला भी उस पॉइंट पे देख सकते हैं दूर, देखिए वहाँ पे ऐसा बैठने वाला उस पॉइंट पे बना हुआ है, इस साइड की ओर भी यहाँ पे बना हुआ है, बैठने वाला भी बहुत सारा बना हुआ है। और इधर ये सामने जो देख रहे हैं ये जो है वक्फ बोर्ड की पूरी बहुत ज़्यादा यहाँ पर लैंड है, मतलब दिखाने का कोई वो मतलब नहीं है कि लोग गलत सोचे, बता रहा हूँ कि अयोध्या प्रवेश द्वार के पास ये चीज़ है, उस पॉइंट पर रुके दिखा रहे हैं। देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए चलते हैं अब इधर से आगे, दिखाते हैं आपको क्या चीज़ें कैसे ओपन हुई हैं। और आज बारिश तो काफ़ी ज़्यादा हुई है कि मतलब रात से स्टार्ट हुई है और जो है अब भी थोड़ी देर पहले बंद हुई है। और डेट एंड टाइम की बात करते हैं दोस्तों, आज है 27 सितंबर और फ्राइडे का दिन है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। देखिए यहाँ पे सार्वजनिक शौचालय भी है इस पॉइंट पे, ऐसा शौचालय भी कई सारे बने हुए हैं थोड़ा सा आगे आगे, मतलब ऐसे थोड़ी थोड़ी दूरी पे, मतलब कई सारी, जैसे एक होता है ना कि एक रोड पे क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, वो सारी सुविधाएं आपको इस रोड पे मिलेंगी। तो हम चलते हैं अयोध्या प्रवेश द्वार से लता मंगेशकर चौक के बीच में, क्या चीज़ें कैसे हैं वो सारी चीज़ें आपको दिखाएँगे। इस पॉइंट पे देखिए एक यहाँ पे ये नगर निगम की ओर से शुद्ध पेयजल की सुविधा, पीछे भी आपने देखा, और ये प्रवेश द्वार देख सकते हैं ऐसा है, एक प्रवेश द्वार नया बनेगा पुल के उस साइड की ओर, क्योंकि पुल के उस पार से इस पार ये प्रवेश द्वार नहीं दिखता है। और इस यहाँ से लेके इस पॉइंट से और लता चौक के बीच में जो है 3 पेट्रोल पम्प है, एक ये है एक आगे है, 2 इतने ही बड़े बड़े साइज़ के हैं, एक एकदम से छोटा है। और CNG के लिए मात्र इकलौता एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, पूरे अयोध्या में 2 ही जगह CNG मिलता है, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। देखिए लाइन से जो है कार कैसे उधर से जा रही है। देखिए पूरी कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। उदया चौराहा, देखिए जिस जगह पे मतलब एरिया को जो भी नाम है ऐसे बना हुआ है, और वहाँ पे ऐसे नाम मतलब उस जगह का लिखा हुआ है, और ऐसी डिज़ाइन सीट्स लगी हुई है, और देख सकते हैं कितना अच्छा बरसात में ये ग्लो कर रहा है, बहुत ही सुंदर। श्री निःशुल्क गुरुकुल महाविद्यालय, निःशुल्क महाविद्यालय है।
लाइट्स वगैरह भी देख सकते हैं आप कितने अच्छे से ये पूरी लगी है, रात में काफ़ी अच्छे से ग्लो करती है। देखिए यहाँ पे भी बैठने वाला है, इस पॉइंट पे देखिए एक किसी चीज़ का निर्माण कार्य चल रहा है, रेस्टोरेंट वगैरह का, बहुत ही अच्छा इसको डिज़ाइन दिया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे पराग मिल्क बार कैफेटेरिया रेस्टोरेंट यहाँ पे है। एक वहाँ पे न्यू पराग रेस्टोरेंट देखिए इस साइड की ओर, इधर भी है। ये देखिए अरोमा रेस्टोरेंट बहुत सारे रेस्टोरेंट, ये देखिए श्री राघव होम स्टे, ऐसे ऐसे मतलब गली गली में होम स्टे वगैरह ये सारी चीज़ें इस समय यहाँ पे अयोध्या में खुली हुई है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये चाय की दुकान ऐसी कुछ। ये देखिए एक होटल यहाँ पे है, कौन सा होटल है, होटल रामरस पैलेस। और आपने वीडियोस वगैरह में ये भी देखा होगा, रील्स वगैरह में जो रोबोट वाला रेस्टोरेंट खुला हुआ है जस्ट यहाँ पे खुला है, साकेत महाविद्यालय के ठीक सामने, वो भी आपको दिखाते हैं। मौसम तो एकदम एक नंबर है, हवा एकदम मज़ा आ रहा है। यहाँ से स्टार्ट है ये साकेत महाविद्यालय, और देखिए इस साइड के साकेत रेस्टोरेंट, अवध नमः रेजिडेंसी। ये देखिए बिल्कुल ठीक सामने रोबोट रेस्टोरेंट, आपने इसकी वीडियो देखी होगी रील्स वगैरह में बहुत ज़्यादा। ये है देखिए साकेत महाविद्यालय, इसका पूरा नाम क्या लिखा है, कामता प्रसाद सुंदर लाल साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय अयोध्या। देखिए ये बिल्कुल सामने देख सकते हैं ये रेस्टोरेंट, ऊपर आरके रेजिडेंसी एंड होम स्टे है। शब्दों में अगर थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाए तो माफ करिएगा। ये देखिए शुद्ध पेयजल की सुविधा यहाँ पे है, और इस पॉइंट से देख सकते हैं ये गाड़ियाँ, जैसे मैं बताया था दूसरा पेट्रोल पंप यहाँ पे है सीएनजी के लिए, उस पार देख सकते हैं कैसे लाइनें वगैरह पूरी लगी हुई हैं। अब देखिए जैसा कि मैं बताया था बरसात का समय है, पानी लगा हुआ था, और देखिए इतनी तेज़ सुविधा है, अभी मैं बताया कि एक घंटे पहले जो है पानी वगैरह रुका था, और देखिए ये टैंक आ चुका है यहाँ पे, पानी जो रोड पे लगा हुआ था उसको उठाने के लिए इस पॉइंट पे यहाँ पे देखिए कैसे खींच रहा है। चलिए चलते हैं आगे, और इधर गाड़ियाँ भी देख सकते हैं आप लाइन से कैसे लगी हुई हैं सीएनजी भराने के लिए। ये देखिए एक ये पेट्रोल पंप एक आगे पड़ेगा। देखिए वहाँ पे भी खुला है श्री ताराजी रेजिडेंसी, मतलब जैसा मैं बता रहा था कि थोड़े थोड़े दूरी पे गली गली में मतलब होम स्टे खुला हुआ है। आप आ चुके हैं गुरु वशिष्ठ चौराहे पे, पुराना नाम टेढ़ी बाजार चौराहा। देखिए ये मल्टी लेवल कार पार्किंग, एक पार्किंग यहाँ बनी हुई है, एक उधर के साइड है, और एक मेन उधर के साइड से आएंगे NH 27 की ओर से वहाँ पड़ती है। देख सकते हैं यहाँ से फ्रंट से कैसा नज़र आ रहा है, बहुत ही सुंदर। इसमें भी जो है देखिए AC बेड अवेलेबल, श्री राम यात्री निवास, ये सारी चीज़ें, नीचे पूरी पार्किंग है। अयोध्या विकास प्राधिकरण की ओर से इसको जो है लीज़ पे दिया गया है, कुछ टाइम होगा उतने ही टाइम तक। ये देखिए यहाँ से ये वाला जो फ्लाईओवर के बारे में बता रहा था आपको,
कि एक फ्लाईओवर जो बना हुआ है ये वाला 1 साल के अंदर बन के तैयार, वो भी 4 लेन का फ्लाईओवर। सीधा इसकी कनेक्टिविटी NH-27 पे है मोहब्रा बाज़ार होते हुए। तेज़ी हो तो ऐसी फ्लाईओवर बनने की तेज़ी हो। यहाँ पे भी देखिए सिक्योरिटी रहती है। इस साइड के और पीछे पीछे चले जाएंगे तो राम मंदिर के पीछे पीछे ये देखिए शुद्ध पेयजल की सुविधा यहाँ पे भी है। सुलभ टॉयलेट देखिए, अच्छा चल खुला हुआ है। मेन रोड पे देखिए यहाँ एक मस्जिद पड़ती है, एक आगे पड़ती है, एक ये है यहाँ पे। अभी देखिए 4 व्हीलर पता नहीं आगे वहाँ से जाने देते हैं कि नहीं। ये देखिए यहाँ परिजात गेस्ट हाउस गली के अंदर था। ये देखिए भागश्री गेस्ट हाउस, ऐसे ऐसे बहुत सारे गेस्ट हाउस ज़्यादा हैं, होटल तो मेन रोड पे होंगे। ये देखिए राघव भोग यहाँ पे कितनी अच्छी दुकान खुली हुई है, मतलब बहुत सारे स्टोर अच्छे अच्छे मतलब खाने पीने के। आगे डोमिनोज भी खुला है, उसको भी हम आपको दिखाते हैं। और 2-3 शॉप और भी खुली हुई है खाने पीने की, बिल्कुल जन्मभूमि पथ के पास जहाँ से राम मंदिर 500 मीटर की दूरी पे पड़ता है। ये देखिए ये एक मार्ग है राम मंदिर जाने के लिए, बट VVIP मार्ग है। देखिए रेलवे स्टेशन वाली आपने वीडियो देखी जो एक मार्ग बनाया जा रहा है, जो कि ये देखिए एक मस्जिद ये पड़ती है यहाँ पर। ये भी बहुत ज़्यादा चर्चा में थी, BBC वाले कुछ ज़्यादा उनको खुजली रहती इस मस्जिद को दिखाने में। ये वाला मार्ग जो सामने नज़र आ रहा है, ये रेलवे स्टेशन मार्ग एक इधर बनाया जा रहा है, वो वाला तो पुराना वाला तो चौड़ा हो ही रहा है, नहीं तो पहले बहुत ज़्यादा पतला था। देखिए ये सामने यहाँ से मार्ग है। जो मस्जिद के बारे में बता रहा था उसको जो ओएसी जी जो हैं उसको ट्वीट किए थे इस मस्जिद के बारे में, इसकी भी बहुत लंबी कहानी है, मज़ार लोग जान जाइए। देखिए श्री राम हॉस्पिटल के पास हम आ चुके हैं, यहाँ पे वेरियन नंबर 3 है। ये सब जो है VVIP मार्ग है। देखिए हरमन गेस्ट हाउस यहाँ पर, अभी कहाँ से पानी निकाल के कहाँ के लिए निकल रहा है। ये देखिए अंदर कितना ज़्यादा पानी भर चुका है यार, बहुत ज़्यादा। आप बताइए यहाँ रोड पे पानी निकल रहा है, उधर से भी देखिए पाइप लगी हुई है, रोड से पानी इधर से फिर नीचे बीच में डक्ट बना हुआ है, उसके थ्रू पानी जा रहा है अपना। ये देखिए कैसे यहाँ से पानी ये जा रहा है। श्री राम हॉस्पिटल के ठीक सामने है, देखिए वहाँ पे भी है AC रूम सुविधा। देखिए वहाँ पे नेस्कैफे का स्टोर खुला हुआ है। सुखद स्टे देखिए थोड़ी थोड़ी दूरी पे। देखिए ये वाला मार्ग है पुराना रेलवे स्टेशन वाला, यहाँ पे ये भी चौड़ा रहा है, आपको पता ही है, वीडियो आप देखते आ रहे होंगे। तो यहाँ से पूरा गिट्टी वगैरह इस वजह से डाल दिया है ताकि गाड़ी वगैरह डिस्टर्ब ना करे। चलिए चलते हैं आगे, यहाँ से बैरिकेड्स रहता है तो गाड़ियाँ वगैरह थोड़ा सा नहीं जाने देते हैं। देखिए यहाँ से ये खुला हुआ है पूरा श्री प्रसादम रेस्टोरेंट, देखते जाइए यहाँ से जो है अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट वगैरह खुले हैं ये सामने यहाँ पर। इस साइड को बिरला धर्मशाला, बिरला मंदिर। ये देखिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, यहाँ से लेफ्ट साइड की ओर है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है क्योंकि अब राम मंदिर यहीं से 500 मीटर की दूरी पे है, ये चीज़ सामने देख सकते हैं। ये वाला एरिया बहुत अच्छा बनाया गया है, जैसे राम मंदिर आते हैं दर्शन करने, बैठना चाहते हैं, रेस्ट करना,
टॉयलेट और ये सारी चीज़ें। तो हॉस्पिटल की सुविधा इसमें श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें देखिए। जहाँ से मैंने आपको दिखाया था अभी यहाँ पे रेलवे स्टेशन मार्ग से और लता चौक के बीच में, यही वाली गाड़ी चलने का पूरा वो है। नॉर्मल ऑटो मतलब चलने के लिए मना करते हैं। देखिए यही है प्रवेश द्वार, यहाँ से राम मंदिर की दूरी 500 मीटर की दूरी पे है। देखिए यहाँ चहल पहल काफ़ी ज़्यादा रहती है। उडुपी एक्सप्रेस, ये देखिए यहाँ पे कितना अच्छा ये रेस्टोरेंट खुला हुआ है, श्री सुख सागर हॉस्पिटलिटी सर्विसेज। देखिए कितना अच्छा खुला हुआ है, बहुत खूबसूरत। ये देखिए एक यहाँ पे भी खुल रहा है इस साइड की ओर। यहाँ पे देखिए सामने श्री डोसा इटली भरत राम जी, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं खुल रही हैं। देखिए कितना अच्छा से मोल्डिंग वगैरह की डिज़ाइन दी जा रही है, है कोई और मटेरियल, मगर बाहर से देखने में ऐसा लगेगा कि जैसे आपको लगेगा कि ईंटें वगैरह से बना हुआ है, बहुत ही सुंदर। उडुपी टू मुंबई, और काफ़ी ज़्यादा चलता भी एकदम, जब देखेंगे तब भीड़ ही लगी रहती है। सिंध पंजाब रेस्टोरेंट, ये देखिए इन लोगों की इतनी खुशी में जा रहे हैं। ये देखिए डोमिनोज़ यहाँ पे खुला है, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया इनके लिए जो है कॉमन डिज़ाइन मतलब लागू नहीं थी क्या, तो सही बात है, इनके लिए भी लागू होना चाहिए डोमिनोज़ का इस पॉइंट पे। स्टार्ट हो भाई गाड़ी, देखिए कितनी मतलब हलचल है यहाँ पे, क्या बताया जाए। अब इधर के साइड ये देखिए नया खुला हुआ है ऑनेस्ट रेस्टोरेंट, ऑनेस्ट बीच में लिखा हुआ है रेस्टोरेंट खुला है, बहुत ही अच्छा। देखिए हनुमानगढ़ी जाने के लिए सिंह द्वार यहाँ पे है, ये सामने, यहाँ से आगे से तो भक्ति पथ मार्ग है ही। ये देखिए यहाँ से भी हनुमानगढ़ी के लिए, देखिए कितने अच्छे डिज़ाइन में यहाँ पे देखिए डालमिया सैफ्रॉन वाटिका वैद्य जी का मंदिर के पास ये वाला देखिए रेस्टोरेंट यहाँ पे ओपन हो रहा है, बहुत ही सुंदर। मतलब एकदम ऐसी डिज़ाइन बना रहे हैं कि लगे कि यहाँ एकदम मैच करे डिज़ाइन। अब देखिए यहाँ से ये भक्ति पथ मार्ग स्टार्ट है हनुमानगढ़ी जाने के लिए इस पॉइंट से, सिक्योरिटी वगैरह रहती है काफ़ी ज़्यादा। देखिए यहाँ पे ये सामने थोड़ा सा भी दिखाते हैं आपको इस पॉइंट से, यहाँ पे भी देखिए शुद्ध पेयजल की सुविधा है। देखिए ये सामने यहाँ से श्री हनुमानगढ़ी थोड़े दूरी के बाद जाने के बाद पड़ता है जन्मभूमि पथ से राम मंदिर के लिए, इधर से भी मतलब आप उधर से भी अगर जानते हैं रास्ता वगैरह तो उधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं। सिक्योरिटी वगैरह यहाँ पे भी रहती, उधर भी, मतलब हर ऐसी जगह पे रहती जहाँ से एंट्री है मंदिर जाने के लिए। देखिए इस पॉइंट में पूरा देख सकते हैं कितने ज़्यादा रेस्टोरेंट, प्रभु राम भोजनालय, राम जी स्वीट, यहाँ पर रूम से सामने उस पॉइंट पर श्री बाके बिहारी गेस्ट हाउस, लकी गारमेंट रूम अवेलेबल, चंद्रा गेस्ट हाउस वहाँ पे, इन सब देखिए यहाँ पे भी अंकल मैचिंग सेंटर, कई सारी चीज़ें। चलिए यहाँ चलते हैं आगे। अब
ये देखिए, ये दोस्तों तीसरा पेट्रोल पंप है इस पॉइंट पे, यहाँ पे फिर बादल घेर रहा है, पानी बरसने वाला है मुझे लग रहा है। देखिए कितना छोटा सा है, पहले तो थोड़ा सा आगे तक हुआ करता था, रोड वगैरह नहीं चौड़ी हुई थी। ये देखिए यहाँ पे भी रेस्टोरेंट वगैरह ओपन होगा अच्छा सा। कोतवाली अयोध्या जनपद। देखिए आपको दोस्तों एक चीज़ और बताते हैं कि जो आपने अंडर पास वाली वीडियो देखी थी, अगर आप उस रास्ते से आएंगे, अगर खुल जाता है तो आप इसी जगह पे निकलेंगे एकदम, कोतवाली अयोध्या जनपद। इस पॉइंट पे देखिए पूरे बुक्स वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो हैं मिल रही हैं। और लोकेशन की बात करते हैं तो हम पोस्ट ऑफिस तिराहे के पास आ चुके हैं। ये है पोस्ट ऑफिस तिराहा। इस पॉइंट पे थोड़ा सा चौड़ा है क्योंकि बस स्टैंड है यहाँ पे। प्रमोद वन मोड़, देखिए जगह का नाम जो है वहाँ पे मेंशन किया गया है। पानी मत बरसना दोस्त, बस वीडियो पूरा हो जाए लता चौक तक। देखिए कितना अच्छा ये बनाया गया है, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे ये डिज़ाइन देख सकते हैं कितने अच्छे से बनी हुई है, सब एकदम वही उद्घाटन के समय की है। छोटी देवकाली के पास आ चुके हैं, वो छोटी देवकाली मंदिर। देखिए चटोरी रेस्टोरेंट यहाँ पे। बहुत अच्छा रोड एकदम खिल के आ रहा है, बरसात में ही तो एक फायदा होता है कि रोड वगैरह एकदम खिल जाती है। पानी निश्चित बरसने वाला है। ये देखिए आ चुके हैं हम तुलसी उद्यान के पास। वाह भाई क्या मौसम है, मजा आ गया। ये तुलसी उद्यान इधर देखिए, वो मंदिर कितना अच्छा लग रहा है। ये पहले ऐसा नहीं था, अब तो ये कलर वगैरह कर दिया गया है। ये देखिए शुद्ध पेयजल की सुविधा यहाँ भी है, मतलब ठंडा पानी आपको रामपद पे इजिली अवेलेबल होगा। हमारे अयोध्या के महापौर जी का आवास ये है। बरसना मत दोस्त। श्री गंगा बेकर्स, एक मेडिकल स्टोर मुझे यहाँ पे नजर आया। देखिए इन सब पॉइंट्स पे जो ऊपर हैं चीज़ें खुलेंगी, इधर भी इधर देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। पब्लिक सुलभ टॉयलेट, वाटर एटीएम भी वहाँ पे खुला हुआ है, फेडरल बैंक खुला हुआ है यहाँ पे। देखिए ये सारी चीज़ें नई बनी हुई हैं एकदम जल्दी में। देखिए महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पे, और यहाँ से रामपैड़ी के लिए जाने के लिए चलते हैं हम। यहाँ पे सूर्य देवता बने हुए हैं। आ गए दोस्तों, देखिए हम लता मंगेशकर चौराहे पे। बहुत ज़्यादा पानी भर गया है यार राम की पैड़ी पे। देख सकते हैं यहाँ का दृश्य कितना अच्छा लग रहा है। ये सामने यहाँ से देखिए, आगे वहाँ से धर्मपथ मार्ग, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं इधर।
आगे पुल पड़ता है, सरयू पुल। तो ऐसा था दोस्तों, आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो, पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपको अयोध्या के किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, ध्यान रखिएगा अपना।